we have completed the control or regulation of the blood pressure. अब इतना सारा ब्लड प्रेशर का रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमारे पास है बॉडी में, फिर भी हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिसऑर्डर इन द पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसा क्यों? इतनी इफेक्टिव मैकेनिज्म मौजूद है, बढ़ जाए घट जाए वापस नॉर्मल पे ले आएंगे, ऑल आर एक्टिंग एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, स्टिल हाइपरटेंशन इज अ कॉमनेस्ट डिसऑर्डर इन दी पॉपुलेशन, ऐसा क्यों? कहां कमी रह जाती है? व्हाट कैन बी द पॉसिबल साइट? क्योंकि वही हमें बताएगा कि हमें इंटरेक्शन कहां करना है, इंटरप्ट कहां करना है प्रोसेस को. ना दैट्स ओके, आई एम नॉर्मल, आई एम नॉट ओबीस, आई एम नॉट डायबिटिक, स्टिल आई एम हाइपरटेंसिव. व्हाई? नहीं, कुछ तो कारण होगा. देखिए बैठो, दो डिटर्मिनेंट की हमने बात की थी, ठीक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम, मतलब कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये दो रेगुलेटेड पैरामीटर्स हैं जिन पर ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है. और सबसे इफेक्टिव इमीडिएट मैकेनिज्म क्या है कंट्रोल की? बेरोसेप्टर रिफ्लेक्सेस, ठीक है. और सबसे लास्ट लॉन्ग लास्टिंग कौन सी है? रीनल बॉडी फ्लूइड सिस्टम. इन दो पे कंसंट्रेट करिए. सो इफ वी डिफाइन ब्लड प्रेशर इनटू ब्लड हाइपरटेंशन, राइट, रेज ब्लड प्रेशर इनटू टू कैटेगरीज, वैसे ही बता रहा हूं, असेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. असेंशियल हाइपरटेंशन इज दैट पैथोलॉजिकल रेज ब्लड प्रेशर वेयर डिस्पाइट ऑल इन्वेस्टिगेशंस we cannot assign any cause to that particular phenomena. हम सारे investigation करवा लें patient के जितने भी possible है, okay? और उसके बावजूद भी अगर pinpoint नहीं कर पाए कि hypertension, rise blood pressure का ये कारण हो सकता है, तो ऐसे hypertension को क्या कहेंगे? Essential hypertension और primary hypertension. और जिसमें भी hypertensive cases में after investigation, if we are able to assign a cause, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं, और कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं, किडनी वास्कुलर डिजीज हो सकती है, रीनल नेफ्रोसिस हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम उनको पिन पॉइंट कर पाए तो वो हाइपरटेंशन कहलाएगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो प्राइमरी हाइपरटेंशन असेंशियल हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू डिफाइंड कॉज इज देयर. सेकेंडरी के बारे में हम नहीं जाते, हम प्राइमरी के बारे में दो बात करेंगे सर, थोड़ी सी बात करनी है. द बेसिक इमीडिएट regulatory mechanism is the baroreceptor reflexes, and that depends upon the receptors located in the walls of the large arteries, aortic arch and carotid sinus. यहाँ पे receptors हैं, उनकी responsiveness पे depend करता है. अगर उसका response pattern कम हो जाए, blood pressure बढ़ा मगर यहाँ से impulse traffic नहीं बढ़ रहा, मान लो किसी वजह से, इसका मतलब ये system उसको ignore कर रहा है रेज को. वो इग्नोर करने की वजह से वो रेज भी रहेगा फिर आगे. इट मींस देयर इज अ रीसेटिंग, इनका जो सेटिंग है फायरिंग पैटर्न का, ब्लड प्रेशर से रिलेशन जो सेटिंग है, वो सेटिंग हायर लेवल पे जाके सेट हो रही है. इट मींस द रेगुलर ब्लड प्रेशर रेंज ऑफ 120 एंड 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर नॉट एबल टू क्रिएट सफिशियंट नंबर ऑफ द इंपल्सेस फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स. ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नॉर्मली हो सकता है बिकॉज एज द पर्सन एडवांसेस वी हैव सीन द आर्टेरियल वॉल गेट थिकंड, उसकी जो इलास्टिसिटी है ग्रेजुअली लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इज देयर, एथेरोमेटस प्लाक उसमें डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी भी कम हो जाती है और उसके अंदर जो रिसेप्टर मौजूद है वो भी उतने अच्छे स्टिमुलेट नहीं होंगे अगर वो स्ट्रेचेबल नहीं है. तो इसका मतलब डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ द बेरोसेप्टर which we cannot determine by any test is the primary cause of primary hypertension. ये जो आपके receptors हैं इनकी responsibility या responsiveness अगर कम होती है because of loss of elasticity of the arterial wall or because of the age advanced atherosclerosis changes, then it will lead to rise in the blood pressure.
because these receptors will now less respond to a rise in the pressure. जितना response आना चाहिए था अब नहीं आ रहा regulate करने के लिए, तो higher pressure level पे set हो जाते हैं वो. ये basic कारण है. The second cause is in the kidneys then. There are various causes. The kidney हमने देखा था दो चीजें, intake of salt and water and output of the salt and water. Any minor defect in the kidney which may result into undetectable sodium retention will cause change in the blood pressure level and hypertension will be there. So ye do basic karan hai jinki wajah se primary hypertension ho sakta hai. Theek hai, ab hum aage badhte hain, blood pressure ko chhod dete hain, wo fir medicine wale aage padhayenge. We come to the microcirculation. Microcirculation ki baat karenge ki humne dekha the purpose of the cardiovascular system is to supply sufficient quantity of the blood with oxygen and nutrients to the tissues of the body. ये primary function है इसका कुल मिला करके. और वो सारे जो हमने अब तक बात की थी, blood pressure है, cardiac output है, heart rate है, वो कर क्या रहे हैं कुल मिला करके? They all are striving to provide a sufficient quantity of the blood flow to the tissues. ये एक तरफ. Still being so many factors regulating the flow of the blood into the tissues, the ultimate regulator of the amount of blood into the tissues is the microcirculation itself. मुझे कितना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगा, आप सिर्फ प्रोवाइड करिए उसको, मैं अपने हिसाब से उसको यूज करूंगा. दैट इज व्हाट द टिश्यूज आर डूइंग. सो दैट इज ऑल अबाउट द माइक्रोसर्कुलेशन. द ब्लड वेसल्स, यू कैन सी द स्ट्रक्चर, यू ऑलरेडी नो 3 लेयर्स आर देयर इन ऑल ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट कैपिलरीज, tunica adventitia, tunica media and tunica intima. Intima is the innermost layer and it has got many properties, you all know. Blood coagulation ko rokne ke liye bhi iski property zaruri hai. Kya hoti hai? Negative charge hoti hai. Is it negatively charged? What prevents normal intravascular coagulation? Bada important sawal hai. Blood bahar nikalta hi clot hona shuru ho jata hai. ब्लड वेसल्स में क्लॉट नहीं होता, क्यों नहीं? वो ठीक है, क्यों नहीं होता? पॉजिटिव फीडबैक है तो अंदर क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? हेपरिन इज देयर, एंटीथ्रोम्बिन 3 इज देयर, उसके अलावा अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर. क्या क्या है वो? फ्लो ऑफ द ब्लड, वेलोसिटी है, देन नेगेटिव चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द एंडोथेलियम इज देयर, देन एंडोथेलियम इज नॉन वाटर वेटेबल सरफेस, उस पर पानी टिकता नहीं है, वाटर वेटेबल नहीं है. तो ये सब अगर ब्रीच हो जाए तो क्लॉटिंग शुरू हो जाती. सो मेनी फंक्शंस आर एस्क्राइब टू द एंडोथेलियम. आगे बात करेंगे इसके बारे में. दिस इज द डायग्राम ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन एरिया. माइक्रो सर्कुलेशन का जब हम बात करें तो 3 चीजों की बात करेंगे, आर्टीरियोस, मेटा आर्टीरियोस एंड कैपिलरीज. बिसाइड देम देर आर प्रिफरेंशियल चैनल्स from arterioles to venule bypassing the capillaries. There are preferential channels from arteriole to venules, directly ja rahi hain, beech mein capillaries nahi aa rahi, unka alag function hai. Theek hai, the arterioles as you know are smaller in diameter, their wall is relatively very thick in comparison to the luminal size. Lumen ka diameter kam hai, wall ki thickness zyada hai, and the smooth muscle fibers which are present in the tunica media, they are richly supplied by the sympathetic nerve fibers post ganglionic and they are responsive to them. So smooth muscle fibers of the arterioles, they respond to both neural stimuli and the chemical factors present in the blood. Jo aapke hormones aate hain wo sare affect karte hain arterioles ko. Then arterioles divide into meta arterioles, or when they come to the meta arterioles, the size, the diameter decreases and the continuous sheet of the tunica media is broken into individual muscle fibers. Ab continuous muscle layer nahi hai uske charon taraf, idhar udhar muscle fiber lage hue hain, smooth muscle fibers, and they tend to contract and control the flow through the meta arterioles. Then come the capillaries. Capillaries has got 2 ends. One is the arterial end of the capillary. This is arterial end of the capillary, this is venous end of the capillary,
and at the arterial end you can see smooth muscle fibers are there. They are known as pre-capillary sphincters. Pre-capillary sphincters are there. So meta-arterioles and smooth muscle fibers of the pre-capillary sphincter, they are not supplied by the nervous system at all. Sympathetic nerve fibers yahan tak nahi aate. So they will be responding only to the local changes in the environment and the hormones which are present into the blood. Jo chemicals aate hain, unko respond karta hai, pre-capillary sphincter. And ultimately, I would say, beside the arteriole acting as a valve to control the amount of the blood flow into the peripheral tissue, it is the pre-capillary sphincter which will determine the amount of flow to that particular area. So finest control is there. Ek do cell, 5-10 cell, 15-20 cell pe jitna blood ho jayega, wo pre-capillary sphincter determine karega. Aur ek tissue ke bade area mein kitna blood jayega, wo arteriole determine karega. So pre-capillary sphincter is there. Then at the venous end, you see there are no smooth muscle fibers on the capillaries. So there is nothing like post-capillary sphincter. Nahi hota. Iska physiological significance hai, clinical significance bhi hai. Ka if the pre-capillary sphincter contracts, this pre-capillary sphincter contract, then the capillary pressure will fall down. ऊपर से जो प्रेशर का दबाव आ रहा था वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे और कैपिलरी प्रेशर गिर जाएगा. सो एनी चेंज इन द अपर पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन कैन बी प्रिवेंटेड टू हैव ए चेंज इन द कैपिलरी प्रेशर बाय यूटिलाइजिंग द एक्शन ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर. ये इससे हम चेक कर सकते हैं कि कैपिलरीज में कितना प्रेशर होगा. इसका मतलब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कैपिलरी प्रेशर बढ़े ही. Capillary pressure will rise only if the pre-capillary sphincter relaxes, and that will happen only when the tissue demand for the nutrients and oxygen is there. Otherwise, agar pressure badh raha hai, flow badhega initially, magar usko rok diya jayega. Itne flow ki zarurat hi nahi hai, to main apna control khud karunga. So that is the purpose of the pre-capillary sphincter. Ab iska dusra aaye is taraf, post-capillary sphincter is not there. So the capillary where it joins the venules, there is no smooth muscle fiber. It has got a high clinical significance because any rise in the pressure on the venous side mein agar pressure mein badlav aata hai to directly reflect karega capillary pressure ke upar. Arterial end ki tarah nahi hoga wo. So if the heart fails, venous return will not be there. Aage cardiac output ghat jata hai, heart fail hota hai to contact nahi kar raha, तो वीनस प्रेशर बढ़ना शुरू होता है. पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा और पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो वेंस में प्रेशर बढ़ेगा. वेंस में प्रेशर बढ़ेगा तो प्री पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर नहीं है, कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ेगा एंड अ पर्सन विल एग्जिबिट कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटू द इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट. ईडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी. तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ने से सूजन कभी नहीं आती, वीनस प्रेशर बढ़ने से सूजन आती है क्योंकि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होता है, पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर नहीं होता. ये बेसिक बात है सर्कुलेशन. सेम थिंग मेटा आर्टीरियोस मसल्स में अगर ब्रोकन है और कैपिलरीज में भी अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं होता, बाहर अलग चीज होती है. ये देखिए टू थिंग्स आर शोन हियर. दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी वॉल. ट्रांसवर्स सेक्शन है, दिस इज द एंडोथेलियल सेल, दिस इज द पेरिसाइट. Pericytes are the connective tissue cells which are present outside the capillaries. ये sparse होते हैं, लगातार नहीं होती इनके लिए, but they are there. Pericytes are there and gaps are there between the endothelial cells. Endothelial cells जो capillary में अंदर की तरफ हैं, एक या दो होते हैं कुल मिलाकर, उनके बीच में gap होते हैं. They are known as fenestri और pores are there. Capillary pores होते हैं, उनके pores की जो presentation है अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग तरह की होती है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल ये आगे भी आएगा, इन द ब्रेन देयर इज अ टाइट ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड में जो चीज मौजूद है हर चीज ब्रेन में नहीं घुस सकती, बैरियर इज देयर एक्सेप्ट सर्टेन एरियाज आर देयर. सो इट हैज गॉट अ टाइट जंक्शन बिटवीन द कैपिलरीज. ओके, इन द किडनी कैपिलरी पोर्स आर देयर टू अलाउ फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड. इन द लीवर there are hardly any pores, large gaps are there because liver function kya hai main protein synthesis karna, wo protein aaram se aana jana chahiye, to
So large amount of the proteins are allowed to diffuse across the sinusoids of the liver. So there is hardly any pore. Sinusoidal gaps are there which allow the free passage of the substances. Intestines mein alag tarah ke capillaries hain. Unke alag tarah ke permeability factors hain. Skeletal muscles mein alag tarah ki hain. So every tissue depending upon its physiological needs and metabolic demand has got structure of the capillary according to its own tissue. Pericytes ki jo main baat kar raha, connective tissue cells which are present outside the capillary. They have got dendritic processes nikli hui hoti hain sensation wo plasma membrane ki. What their pericytes are doing, they can regulate capillary blood flow. Bahar maujood hain, बाहर से दबाव डाल सकते हैं वो. इसका मतलब इनमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो सकता है जिसकी वजह से दबाव डाल सकते हैं. देन पेरिसाइट्स ब्रेन के अंदर दे आर नोन एज, नहीं पता ही नहीं होगा, एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं उनको वहां पे. एंड एस्ट्रोसाइट्स आर इंपॉर्टेंट इन सब्सटेंशिएटिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर. कैपिलरीज में टाइट जंक्शन होते हैं, उसके अलावा जो है बाहर एस्ट्रोसाइट होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स आर देयर विच आर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस लेयरिंग आउटसाइड द कैपिलरीज. देन दे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट रीमॉडलिंग आर्किटेक्चर एंड परमेबिलिटी द वैस्कुलेचर, मे हेल्प इन द लिम्फोसाइट एक्टिवेशन ऑफ द अफेक्ट कोगुलेशन. देन दे सिक्रीट वेरी वैस्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स which help in the neurogenesis, myogenesis and angiogenesis. इन सब में मदद कर सकते हैं. Arterioles we have seen, internal diameter में range from 10 to 15 micron and they are the controlling valve for the peripheral circulation. Pre-capillary sphincter we have seen already. Capillary wall, capillary diameter is 4 to 9 microns. What is diameter of the RBC? 6 to 12 microns तक के आरबीसी हो सकते हैं. माइक्रोसाइट्स आर देयर, मैक्रोसाइट्स आर देयर. सारे के सारे 7.2 के नहीं होते, सारे के सारे 8 के भी नहीं होते. रेंज निकलता है उसमें से, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं. अल्टीमेट रेंज इज 6 to 12 माइक्रोन, एवरेज इज 7.2 माइक्रोन. तो अब ये सोचिए कि कैपिलरी का डायमीटर 6 माइक्रोन का है, आरबीसी 8 माइक्रोन डायमीटर का है, वो निकल कैसे रहा उसमें से, फोल्ड होकर के. बिकॉज ऑफ इट्स टिपिकल शेप, आरबीसी फोर्स इटसेल्फ टू फोर्स थ्रू द स्मॉल कैपिलरी डायमीटर. कैपिलरी वॉल थिकनेस इज ओनली 0.5 माइक्रोन. वॉल थिकनेस है ये, ल्यूमन नहीं, वॉल थिकनेस. एंड इवन दिस वेरी थिन वॉल द कैपिलरी डज नॉट रप्चर अंडर द कैपिलरी प्रेशर ऑफ 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑन द आर्टीरियल साइड एंड 10 मिलीमीटर ऑन द वीनस साइड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ लैपलास. प्रेशर कितना है, टेंशन कितना है, वो डिटरमिन करता है कि कैपिलरी प्रेशर उसको स्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ये पढ़ लिया तुमने ऑलरेडी. सो कैपिलरी पोर्स की बात करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दे आर डिटरमिनिंग फैक्टर्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम इंट्रावैस्कुलर टू द एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट. बच्चे क्या मोबाइल चल रहा है, क्या चल रहा है, ला मेरे को दे, क्या देख रही, क्या देख रही हो, नहीं निकाल उसको निकाल, हाँ दे दे, दे दे, तुम भी निकालो, तुम्हारे कॉपी किताब कहाँ है, तुम आते काहे के लिए हो यहाँ, मेरे समझ में नहीं आती. तुम अपने रोल नंबर दो ना मेरे को और बाहर जाओ आराम से, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा तुम्हारी. सबने बाहर निकाल कर का इसको काम में लेने के लिए, शर्म नहीं आती तुम लोगों को. और मैं कितनी बार कह चुका हूं, आप अटेंडेंस दे जाओ, नहीं बैठना है तो नो प्रॉब्लम, यू विल बी मार्क्स प्रेजेंट 100%, मगर यहां बैठ के बदतमीजी मत करो. सो कैपिलरी पोर्स आर द एरियाज विच अलाउज द
the transfer of substances between the intravascular and extravascular compartment. They are known as capillary pores or clefts are there. Uniform spacing size is there because this size determines the size of the molecule which can be transferred across the capillary wall. So they are slightly larger than the albumin molecule. What does it mean? It means it can allow the passage of the albumin, but not freely. The rate of diffusion will be determined by the size. Alag se determine hota hai. So brain has got very tight junctions between the capillaries. Pores are not there. And only small molecules like water, carbon dioxide, oxygen and certain ions are allowed to pass freely through the capillary junction. Liver clefts are wide open. Largest molecules are permitted to pass across the sinusoidal membrane. Liver mein capillaries hoti hai kya? Liver ka structure dekh liya histology mein? Nahi dekha. Hai? Dekha hoga? Nahi dekha. Capillaries nahi hoti liver mein. Dilated spaces are there. Sinusoids kehte hain unko. Sinusoidal areas are there. Ek taraf portal vein hoti hai, ek taraf hepatic artery hoti hai. Blood flow hota hai dono ke andar. So clefts are there. All dissolved substances in the plasma can pass across the liver cells. The GIT has got midway between the muscle and liver. Glomerular capillaries are fenestrated. Fenestry ka matlab kya hota hai? Na. Fenestry, window ko kehte hai fenestry. And of course the permeability across the membrane depends upon the size of the molecule. That is the major determinant. Now what is blood flow? Humne dekha heart se intermittent injection hota hai. It is getting converted into continuous flow by the elastic arteries. Usko humne naam diya alag se. Capillary jo blood ke andar, body ke andar hai. Say for the skeletal muscles because they form largest mass of the body tissue. Skeletal muscle sabse jyada mass wala hai. Ab main maan lo kuch nahi kar raha, baitha hun. So only 10 to 15% of the capillaries are open in the muscle. Rest are closed. Aur wo sari ki sari jo khuli hui hai, wo bhi hamesha puri khuli nahi rehti. Khuli band ho gayi, khuli band ho gayi. So there is a transient intermittent flow in the capillaries. Wo intermittent flow alag tarah ka hai, bajaye jo ejection ho raha hai heart se, wo alag tarah ka hai. Ejection इंटरमीडियंट वो अलग चीज है मगर यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो इंटरमीडियंट है वो अलग वजह से है दैट इज बिकॉज ऑफ द रैंडम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर एंड दिस टाइप ऑफ द ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज इज नोन एज द वाजो मोशन सो ब्लड फ्लो इन द कैपिलरीज नॉर्मली इज इन द फॉर्म ऑफ द वाजो मोशन डिटरमाइंड बाय द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर एंड दैट एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द लोकल केमिकल एनवायरमेंट in each particular tissue of the body. Capillary endothelial cells as seen also contains actin and myosin filaments and their contraction can determine the diameter of the capillary and thus can control the amount of the blood flow through that particular area. In the capillaries, two types of the flow are there. One is the nutritional flow and second is the नॉन न्यूट्रिशनल फ्लो दोनों में फर्क ये है कि न्यूट्रिशनल फ्लो विल अकर कंटिन्यूअसली व्हेन द टिश्यू डिमांड इज देयर इफ द टिश्यू डिमांड डिक्रीजेस मेटाबॉलिक डिमांड इज लेस देन मोस्ट ऑफ द ब्लड गेट डाइवर्टेड थ्रू द प्रेफरेंशियल चैनल्स इंस्टेड ऑफ द ट्रू कैपिलरीज को बंद कर दिया जाता है ब्लड जो है बाईपास हो जाता है प्रेफरेंशियल चैनल के द्वारा एंड इट गोज टू द वेन्यूज डायरेक्टली सो दैट डिटरमाइंस द न्यूट्रिशनल एंड नॉन न्यूट्रिशनल फ्लो एक और तरीका इसको देखने का In the skin, cutaneous blood flow, the nutritional blood flow is very, very less. Bahut kam hai. But non-nutritional flow can be tremendous under the conditions of the regulation of the body temperature. Warm environment hai, bahar ka temperature jyada hai, aapke pasina aa raha hai, yahan vasodilation hoga, bahut sara blood flow badh jayega. Nutritional demand nahi badhi cells ki, magar blood flow badh gaya. Wo sara non-nutritional flow badh raha hai. न्यूट्रिशन नहीं सो एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरीज अल्टीमेटली दैट इज व्हाट द सर्कुलेशन इज मेंट फॉर अकर्स इन मेनी फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमनेस्ट फॉर्म इज द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ द थर्मल मोशन यू ऑल नो क्या कहते हैं उस थर्मल मोशन का क्या नाम है
पार्टिकल्स के थर्मल मोशन को क्या कहते हैं फिजिक्स में, या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, रैंडम मूवमेंट होता है. सो लिपिड द डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सब्सटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. इफ द सब्सटेंसेज आर लिपिड सॉल्युबल दे सिंपली डिजोल्व इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली लिपिड बाई लेयर, वही डिटरमिन करता है उसके फ्लो को. सो एंड दैट इज अ वेरी रैपिड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. दिस ऑल्सो इज डिटरमिंड बाई द डिग्री ऑफ लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. CO2 और ऑक्सीजन दोनों में लिपिड सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? इधर से सही जवाब आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर लिपिड सॉल्युबल देन ऑक्सीजन. इसका मतलब डिफ्यूजन कोफिशियंट कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिवली ज्यादा होता है बजाय ऑक्सीजन के. तो लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसका डिफ्यूजन कोफिशियंट ज्यादा होगा. ठीक है, एंड सेकेंड मेजर डिटरमिन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन वी नो इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विच कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर ऑल्सो. आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर और डिफ्यूजन बढ़ जाएगा. सो बिसाइड दीज ऑल अदर फैक्टर्स डिटरमाइन द डिफ्यूजन विल डिटरमाइन द डिफ्यूजन प्रोसेस एट द कैपिलरी मेम्ब्रेन ऑल्सो. क्या है वो फैक्टर, वाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन? मॉलिक्यूलर वेट इज देयर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज देयर. दो में बांट सकते हैं इसको, करेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल इटसेल्फ एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिफ्यूजन बैरियर, दो मोटी मोटी चीजें. ठीक है, और तीसरे आउटसाइड फैक्टर जो प्रेशर हो सकते हैं, मॉलिक्यूल प्रेशर एंड द मेम्ब्रेन फीचर्स इटसेल्फ. ठीक है, तो मेम्ब्रेन फीचर्स क्या हैं जो डिटरमाइन करते हैं? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया एंड परमेबिलिटी, थ्री मेजर फैक्टर्स आर देयर डिटरमाइन द डिफ्यूजन. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर वेरी रैपिडली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर हाईली लिपिड सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का क्या होगा? लिपिड सॉल्युबल तो बड़े आसानी से निकल गए, उनके लिए तो रास्ता बना हुआ है, उनके लिए जो गार्ड खड़े हैं वो पहचानते हैं सबको, चलो निकलो 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 निकलो. वाटर सॉल्युबल के साथ ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आयंस ग्लूकोज यूरिया एक्सेट्रा दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल एंड फॉर देयर ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिफरेंट मैकेनिज्म आर यूज. फॉर आयंस व्हाट वी हैव गॉट है, अब गड़बड़ हो गई. गड़बड़ क्या हो गई कि तुम्हारा ओरिएंटेशन अब सिर्फ मेम्ब्रेन पे आके टिक गया. हम बात करें कैपिलरीज की, कैपिलरीज पोर्स की बात कर रहे हैं, पोर्स है वहां पे, हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे. सो देयर इज अल्टरनेटिव रूट अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दी सब्सटेंसेस, पोर्स के द्वारा जा सकते हैं. ठीक है, और जो डिफ्यूजन के फैक्टर्स उनको डिटरमाइन करने और वो इसको डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, सो ऑल फैक्टर्स डिटरमाइन द डिफ्यूजन विल डिटरमाइन देयर ट्रांसफर ऑल्सो. रेट ऑफ वाटर डिफ्यूजन इज 80 टाइम्स मोर देन द फ्लो वेलोसिटी ऑफ द प्लाज्मा इन द कैपिलरी. ये एक सेंटेंस है जिसका क्या मतलब निकला, थिंक अबाउट दिस सेंटेंस. रेट ऑफ वाटर डिफ्यूजन इज 80 टाइम्स मोर देन द फ्लो वेलोसिटी ऑफ द प्लाज्मा इन द कैपिलरीज. डज इट मीन एनीथिंग? जितना समय ब्लड को यहां आर्टेरियल एंड से वीनस एंड तक जाने में लगता है ये वेलोसिटी कम है मगर डिफ्यूजन जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है. अगर इसका मतलब ये ब्लड और भी धीरे धीरे चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर हो जाएगा. ट्रांसफर रेट इज वेरी हाई. Then the molecular size is major determinant and the second determinant is the concentration gradient. तो कुल मिला के यहाँ बात इतनी है कि जो factors usually cell membrane पे operate करते हैं ज्यादातर यहाँ भी operate करते हैं diffusion को determine करने के लिए. Except that here there are two routes available for the diffusion. क्यों हमने अभी कहा था कम cell membrane की बात करें, भाई membrane है यहाँ भी है तो substances can pass through the endothelial cells also. Substances can pass through the pores also. Both avenues are available here. तो दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट होगा.
इसी का मतलब ये है कि अगर ब्लड में आयोनिक कंसंट्रेशन एक्स है तो टिश्यूज में जो फ्लूड जा रहा है उसमें भी आयोनिक कंसंट्रेशन एक्स ही आएगी, क्योंकि पोर्स के द्वारा जा रहा है, वो सेल के द्वारा नहीं जा रहा। अगर पोर्स के द्वारा आ रहा है तो दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाएंगे, बिकॉज ऑल सब्सटेंसेज कैन क्रॉस द कैपिलरी पोर्स एक्सेप्ट द लार्ज साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल। आगे देखेंगे उसमें क्या होता है। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेज। ये सिर्फ दिखाने के लिए है दैट इफ वी टेक द डिफ्यूजन परमिटिविटी ऑफ द वाटर एज वन, देन एल्ब्यूमिन हैज गॉट अ वेरी लिपिड, सॉरी एल्ब्यूमिन हैज गॉट अ वेरी लिमिटेड एबिलिटी टू क्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन। इसका मतलब टिश्यूज में प्रोटीन जा तो सकता है, एल्ब्यूमिन कैन डिफ्यूज, मगर उतना डिफ्यूज नहीं होगा जितना कि पानी हो सकता है। हीमोग्लोबिन भी जा सकता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट 68,000। ये किडनी में फिल्टर हो सकता है क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसका सोचो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस, हीमोग्लोबिन कैन डिफ्यूज। अगर हीमोलिटिक एनीमिया है जो पढ़ा होगा आपने, तो फ्री हीमोग्लोबिन कैन गेट फिल्टर्ड इनटू द किडनीज। अगर फिल्टर हुआ है तो इसका मतलब किडनीज में पहुंच गया, इसका मतलब ग्लोमेरुलस से क्लियर होकर आगे बढ़ गया वो। और जो जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है किडनी में आगे जाते जाते, जब यूरिन बनता है तो एसिड सिक्रेशन बढ़ता चला जाता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट हो सकता है। प्रेसिपिटेट होने से ट्यूब्यूल्स ब्लॉक हो सकते हैं एंड इट डेफिनेटली रिजल्ट इनटू रीनल फेलियर इन पे इन दीज केसेस। किडनी का काम करना बंद हो जाता है धीरे धीरे। सो दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। दिस इज अबाउट द टोटल बॉडी वाटर, या आपने देखा होगा ऑलरेडी। इसमें हम का मेन पर्पज ये है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरस्टीशियम, टोटल बॉडी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। वन इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर, इंट्रा सेल्यूलर वाटर, एंड दो ही है, तीसरा भी कोई वैरायटी हो सकती है क्या पानी की? इंट्रा सेल्यूलर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, प्लाज्मा हो सकता है, और प्लूरल फ्लूइड हो सकता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है, जॉइंट्स में फ्लूइड हो सकता है, इंट्राऑक्युलर कैविटी में फ्लूइड हो सकता है, CSF हो सकता है, और भी कुछ है? ये सारे कवर हो गए, सारे हो गए, और कुछ बच गया? अरे GIT में इतने जूस सीक्रेट हो रहे हैं नहीं, वो भी तो बॉडी के अंदर ही मौजूद है पानी आपका। All these are the extracellular fluids, ठीक है, बट हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है इंट्रासेलुलर का, 28 liters, एक्स्ट्रा इज 14 liters, प्लाज्मा इज 3 liters, एंड इंटरस्टीशियल फ्लूड इज 11 liters। नाउ इंटरस्टीशियल फ्लूड मीन्स द फ्लूड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द बॉडी, इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द बॉडी। 11 liters ऑफ द वाटर इज देयर, बट इट इज नॉट फ्लोइंग, ये फ्लो नहीं हो रहा वाटर कहीं भी, ये आप निकाल भी नहीं सकते डाल करके नीडल को। इट इज देयर बट इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। दिस वाटर इज द इंटरस्टीशियल फ्लूइड, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द फ्री वाटर, इट इज कंबाइंड विद द प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट ऑफ द इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट। इट इज इन द जेल फॉर्म, नॉट इन द सॉल्ट फॉर्म। तो इंटरस्टीशियल फ्लूइड में जो वाटर है वो सॉल्ट फॉर्म में, सॉल्ट जेल का मतलब समझते हो ना, सॉल्ट फॉर्म में नहीं है, जेल फॉर्म में मौजूद है, प्रोटियोग्लाइकेन के साथ लिंक्ड है। प्रोटियोग्लाइकेन्स हैव गॉट सर्टेन कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, बट इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर अंडर पैथोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस इंक्रीजेस, देन द प्रोटियोग्लाइकेन्स विल नॉट बी एबल टू होल्ड दैट वाटर इन द जेल फॉर्म, इट विल अपीयर इन द सॉल्ट फॉर्म एंड अ पर्सन विल हैव एडिमा, फ्री वाटर हो जाएगा। तो प्रोटियोग्लाइकेन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये बॉडी में हर जगह मौजूद होते हैं, कंपोजिशन डिपेंड करती है, टिश्यू टू टिश्यू अलग अलग हो जाते हैं। इसमें छह तरह के प्रोटियोग्लाइकेन्स, नाम बायोकेमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे, शायद पढ़ा दिया होगा, कॉन्डोटिन सल्फेट, हेपरान सल्फेट, कैरेटाइन सल्फेट, हिपेरिन, ओके, ये सारे आपके प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं। हाइलुरोनिक एसिड एंड 2% प्रोटीन आर देयर। सो इंटरस्टीशियल फ्लूइड
इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा फिल्ट्रेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं 11 लीटर की जो बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है? प्लाज्मा से ही आ रहा है। कंपोजिशन ऑफ दिस फ्लूड हैज टू बी सेम, क्योंकि कैपिलरी पोर्स हैं तो आयोनिक कंपोजिशन डिफर नहीं हो सकती ज्यादा, एक्सेप्ट दिया है इसमें एक्सेप्ट लोअर कंसेंट्रेशन द प्रोटीन। तो इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट में प्रोटीन उतने नहीं हो सकते क्योंकि फिल्ट्रेशन बहुत कम है उनका लार्ज मॉलिक्यूल होने की वजह से, तो प्रोटीन कंसेंट्रेशन लेस। आयनिक कंसेंट्रेशन डिफर करेगी हमारे हिसाब से, क्योंकि पोर्स मौजूद है, आयन्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल, दे कैन इजीली पास थ्रू देम, तो उसकी वजह से कंसेंट्रेशन दोनों तरफ बराबर बराबर होनी चाहिए, होती भी है मगर नहीं भी होती बिकॉज ऑफ डोनान्स इक्विलिब्रियम इफेक्ट। प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा में ज्यादा है, प्रोटीन्स इन द इंटरस्टीशियल कंपाउंड दे आर लेस, सो मोर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर देयर इन द इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू द डोनान्स इफेक्ट दे विल कॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑन द इनर साइड व्हाट विल हैपन, नेगेटिवली चार्ज आयन्स बढ़ जाएंगे और बाहर की तरफ घट जाएंगे, तो सोडियम एंड क्लोराइड विल बी डिफरेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द फिल्ट्रेशन ऑफ द फ्लूइड एट द कैपिलरी लेवल? दीज आर फोर्सेज विच यू कॉल एज द स्टार्लिंग्स फोर्सेज। चार तरह के फोर्सेज हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दीज फोर्सेज गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट कंडीशंस इन द बॉडी कैन रिजल्ट इन टू एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्री वाटर इन द इंटरस्टीशियम और द एक्यूमुलेशन ऑफ द इडिमा फ्लूइड। ये सारा इसी के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। सो फोर फैक्टर्स आर देयर, प्लाज्मा साइड से ऑपरेट करते हैं, कुछ टिश्यू साइड से ऑपरेट करते हैं, तो टू फैक्टर्स प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ट्राइंग टू रिटेन वाटर, इट इज ट्राइंग टू प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा वाटर फ्रॉम इंट्रावास्कुलर टू द एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। कितना है ये अभी देखते हैं। सेकेंड, कैपिलरी प्रेशर और कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज द प्रेशर विच इज ट्राइंग टू फोर्स वाटर फ्रॉम इंट्रावैस्कुलर टू द एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट, यहां से यहां निकालेगा वो। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज फेवरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्लाज्मा कलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देन कम टू द टिश्यूज, इन द टिश्यूज प्लाज्मा, सॉरी नॉट प्लाज्मा, प्रोटीन्स आर देयर, इन द टिश्यूज प्रोटीन्स आर देयर, दे एक्सर्ट अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दे ट्राई टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ द कैपिलरीज, सो दे फेवर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, दे फेवर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एंड लास्ट फैक्टर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट इन द बॉडी, एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेज इट इज नेगेटिव, इट इज ऑन द नेगेटिव साइड, मे वेरी फ्रॉम -1 to -6 मिलीमीटर मर्करी, ऑन एन एवरेज वी टेक इट इज -3 मिलीमीटर मर्करी, एट सम प्लेसेज इट मे बी पॉजिटिव ऑल्सो, लिवर में किडनी में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज कंसिडर इट एज नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटरस्टीशियल प्रेशर विल ऑल्सो फेवर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो थ्री फैक्टर्स आर देयर विच फेवर द फिल्ट्रेशन, वाइल ओनली वन फैक्टर इज देयर विच इज प्रिवेंटिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो प्लाज्मा कलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अकेला है जो फिल्ट्रेशन को रोकता है, मगर बाकी प्रोटीन्स इन द इंटरस्टीशियम, इंटरस्टीशियल टिश्यू प्रेशर एंड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दे आर ऑल कॉजिंग प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो नॉर्मली एट द आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी द कैपिलरी प्रेशर इज 30 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी। मैं आपको क्वांटिटेटिव डेटा दे रहा हूं जो काम आते हैं। एट द आर्टीरियल एंड 30 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी इज द कैपिलरी प्रेशर, ओके, 28 मिलीमीटर मर्करी इज द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, देन 8 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी इज द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन्स इन द इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट, एंड -3 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी इज द टिश्यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टिश्यू प्रेशर।
अब इनका मैथमेटिक्स लगाइए क्या निकला कुल मिला करके, एट द आर्टेरियल एंड एट द थ्री फोर्सेस टेन मिलीमीटर का डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो टेन मिलीमीटर प्रेशर इज द ड्राइविंग फोर्स टू कॉज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट एट आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी। सो फ्लूइड इज गेटिंग फिल्टर्ड एट अ सर्टेन रेट दैट वी कॉल एज द फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाता है वो। देन एज वी सो सर्टेन वाटर इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट। नाउ वी कम टू द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरीज। अब आ जाते हैं यहां पे, एट द वीनस एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम एक्सेप्ट दैट देयर इज अ ड्रॉप इन द कैपिलरी प्रेशर। सो कैपिलरी प्रेशर फ्रॉम 30 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी ड्रॉप टू 10 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी ओनली। नाउ इट मींस नेट फोर्सेस एक्टिंग एट द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरीज आर रीअब्सॉर्बिंग द प्लाज्मा वाटर फ्रॉम इंटरस्टीशियल कंपार्टमेंट टू द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। सो शिफ्ट ऑफ वाटर इज देयर इन दिस प्रोसेस। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द फोर्सेस। दोनों तरफ देखिए कैलकुलेट करके, वीनस एंड के ऊपर जितने फोर्सेस रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं वो थोड़े से कम है आर्टेरियल एंड के मुकाबले में। इट मींस सम अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा वाटर विच वॉज फिल्टर्ड रिमेन देयर इन द टिश्यूज, इट इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड इन द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। जितना फ्लूइड फिल्टर हुआ था, जितना फोर्स आर्टेरियल एंड पे था, उतना फोर्स वीनस एंड पे नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा वाटर जो फिल्टर हुआ था वो वहीं रह गया टिश्यूज के अंदर, दैट फ्लूइड इज नोन एज द टिश्यू फ्लूइड। जो वो बच गया वहां पे आर्टेरियल एंड से शिफ्ट हुआ था वीनस एंड पे, काफी सारा एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा सा वहां छोड़ दिया गया, दैट फ्लूइड डज नॉट रिमेन देयर, इट इज रिटर्न बैक टू द सर्कुलेशन बाय द alternative channel which we call the lymphatics, वो lymphatics के द्वारा वापस जाएगा। So ultimately whole fluid is getting transferred. So that is the mechanism of the tissue fluid formation. So that you can see here 3 to 4 liters per day fluid is filtered then absorbed. इसका मतलब 24 घंटे में इतना fluid वहां रह जाता है tissues के अंदर, and that is being returned by the lymphatics via the lymphatic channel. And if more fluid gets filtered, less is getting returned to the blood, then fluid accumulates in the interstitial compartment and the edema develops. So iski hum aage baat karenge baad mein, theek hai।